टीका चल रहा था, तत्र च स्थिपा शपेति न च अनुबंध निर्देशादेव गित्त प्रयुक्तमपि कार्य मातृपदम व्यंगलुकी न भविष्यति। कहते अनुबंध के द्वारा निर्देश के ही कारण से गित्त प्रयुक्त भी कार्य आतृपद जो वो नहीं होगा व्यंगलुक में। ये आपने जो कहा प्रत्यय प्रत्यय साधारण सब कहने क्या जरूरत थी, इसकी आवश्यकता ही नहीं। अतः प्रत्यय असाधारण धर्म आश्रित्व सत्येव प्रत्यलक्षण क्लेशानुभव वृथा इति न च वाच्यम्। ऐसा मत कहो। क्यों? तब जवाब दे रहे यंगो गकार से प्रत्यानुबंधत्वेन यंगंत धातु अनुबंधेन अनिर्देशादित्यला। या यंग के जो ग है वो प्रत्यय का अनुबंध है और धातु का अनुबंध नहीं है, इसीलिए अनुबंध निर्देश के द्वारा इसकी व्यावृत्ति नहीं हो सकती। तो सूत्र में जो अनुदात अंकिता लिया है वो धातु गित हो उससे आत्मपद कहा है, प्रत्यगित हो तो आत्मपद तो कहा ही नहीं है। और यंगंत में प्रत्यगत गित्व धातु संज्ञा से पहले गकार संज्ञा होता है कि बाद में होता है? यंग आते ही पहले ग की संज्ञा हो जाएगी ना, फिर जो भी यंग को लेकर प्रक्रिया कर देंगे जितवादि करके जो बच गया अंत में उसका सनातन धातु से धातु संज्ञा करेंगे बो भूया का। और जो बो भूया जिसकी हम धातु संज्ञा कर रहे हैं वो गित्त तो है ही नहीं, और जो गित्त है वो धातु नहीं है, इसलिए अनुबंध के आधार पर यह व्यावर्तन कैसे हो पाएगा? अनुबंधे न चा गणेना जो कहा गया है अनुबंध की व्यावृत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि धातु का ये जो ग है अनुबंध नहीं है, अतः अलग से कहना जरूरी था। इसीलिए प्रत्यय प्रतिसारण धर्म आश्रय करते हुए प्रत्यलक्षण वही जाता है इत्यादि में कहना आवश्यक पड़ा। अतएवेदि स्थिपाशपति निषेधादेव यंगलुकी शन्नादेव विकर्ण न गण कार्य भी नहीं होगा, शन्नादि विकर्ण कार्य भी नहीं होंगे इत्यर्थ। स्थिपाशपति निषेधम उपादयति गणेन निर्देशादिति गणेन निर्देशात् शन्नादेवपि न दिवादिभ्यशन रुदादिभ्यष्णम इत्यादि गण निर्देशात् इत्यर्थ। किंतु शबेवेति कर्तृशप इत्यस्य स्थिपाशपति निषेध अविषयत्वात् इति भाव। ये कर्तृशप से जो शब्द विधि होता है वो इस वार्तिक में कहे में से कोई हिस्सा में नहीं आता, अतएव सामान्य शब्द है वो हो जाएगा। चरगरितं चक याद दिला रहे यंग लुगंतम अदादो बोध्यम इति व्याख्यातम प्राक चरगरितं च यदादिगण के अंत में आया था और उसका अर्थ बताया था आपने कि यंग लुगंत को अदादिगण के अंतर्गत ग्रहण करना चाहिए। अतो यंग लुगंता छपो लुक यंग लुगंत धातु से आयो जो शब्द है वो लुक हो जाता है। एवं च भू धातु यंगो लुकी दिप्तादो वो भू इतस्मात् लटितिपि शपो लुकी वो भू धंति इति स्थित है ना। यंग लुक हो गया अब बचेगा भी वो भू, यंगंत में वो भू या और यंग लुक में वो भू इतने बचता है। लटतिप शप वा और शप को लुक हो गया वो भूति इस स्थित है यंगो वा सूत्र लगाया था आपने। उतोवृत्ति लुकी तो हली थी उतोवृत्ति लुकी से हली की अनुवृत्ति आया हली थी और नाभ्य से जाचती इत्यादि सूत्र से क्या आया कहते पिति और सार धातु के भ्रुव ईट इत ईट इति अनुवृत्ति ईट की भी अनुवृत्ति हो गई। तदाह इंगंताद इत्यादि ना टित्व तिप आदि अवयव ईट टित के आदि अवयव ईट हो गया। तथा च भोभु ईति इस स्थित ऊकार से गुणे अवादेशे वो भवीति रूपम वक्षति ये सिद्ध करना है आपने। लेकिन बीच में शंका होता है क्यों, क्योंकि वो भू धातु के बाद में तिंग आया है, तिंग को ईट व ईति है, अतएव जो है ईति के प्रतिगुण निषेध होना चाहिए भूसवोस तिंगी भूसवोस तिंगी थी गुण निषेध आशंक्या भूस्वोरिति निपातना थी। कृषे छंदसी तथा छंदसी अनुवृत्तौ दाधरती दरधरती दरधर्षि भोभूतु ते तिक्ते इत्यादि सूत्र 7, 4, 15 का है। भूधातोर यंगलुगंतस्य गुणाभाव निपात्यते भूधातु यंगलुगंत में गुणाभाव को सूत्रकार पाणिनि ने निपातन किया है। भूस्वो इत्येव तत्र गुण निषेध सिद्ध है, भूस्वस्त से गुण निषेध था तो निपातन से गुण निषेध करने की क्या जरूरत थी? गुणाभाव निपातनम
नियमार्थम, नियमन करने के लिए। यंग लुक की छंद सी है वयम, और यंग लुक में छंद में ही ऐसा गुण निषेध हो, इसका तात्पर्य क्या हुआ? लोक में गुण हो, छंद में गुण निषेध कर रहे हो का मतलब लोक में गुण हो, यह अर्थ हो जाएगा। भूसुभो इति गुण निषेध हो नान्यत्र इति, अतः लोकेपि यंग लुक अस्ति विज्ञायते, इसे लोक में भी यंग लुक होता है ये भी ज्ञापित हो गया। एतेन यंगोचिति यंग लुक विधौ, कुछ लोग बौड़म छंदस से बौड़म की अनुवृत्ति के जैसे छंदस की भी अनुवृत्ति कर लेते थे, यदि पूर्व सूत्रात् छंदसित्य अनुवर्तयन्त परास्ताः, उनके हिसाब से यंगलुक केवल वेद में ही होता है लोक में नहीं, वह भी इसी बात से खंडित हो गया। तदा अतएव यंगलुक भाषायामपि सिद्ध इति, भूस्वस्तिंगित सूत्र भाषे तो वो भूतु इत्येतत् नियमार्थम, इसे भूस्वस्तिंगी इस सूत्र भाष्य में वो भूतु ये दिया ना, वो भूतु वो नियमार्थम कह दिया, मैंने लोट में ही होगा, धन्य लकार में नहीं, अन्य धातुओं से नहीं, ये शंका हो सकता है, नियमार्थम ये कहा गया। लेकिन अत्रैव यंगलुगंतस्य गुणो न भवति नान्यत्र, और कहा उस लोट लकार में ही यंगलुगंत में गुण नहीं होगा, नान्यत्र माने अन्यत्र निषेध नहीं होगा, अर्थात लड़ादियों में वेद भी गुणों का निषेध नहीं होगा। क्वाम आबोध वो भवीति इत्युक्तम, भाष्यकार ने कहा वो भवीति, अत्रैव इत्यस्य वो भूत इति लोटियव इत्यर्थ, अत्रैव का अर्थ क्या होगा? लोट में ही निषेध होगा, अन्य लकारों में निषेध नहीं। यंग लुगंत से इत्यस्य भूधातु शेष, यंग लुगंत लोट लकार भी भूधातु से ही निषेध है, अन्य धातु से भी निषेध नहीं है, यह अर्थ हो जाएगा। वो भवीति इत्येव उदाहरतत्वादिति शब्दश करे प्रपंचितम, ऐसे शब्दश कर ने कहा। इन वस्तुतस्तु भाष्य यंग लुगंत स्थिति सामान्य अभिप्राय मेव, क्यों लोट लकार नहीं लेना, भूधातु नहीं लेना, सामान्य अभिप्राय सर्वलकार सर्वधातुओं से, भूधातु मात्र संकोचे माना भावात, भू मात धातु मात्र संकोच करने में कोई प्रमाण नहीं। वो भवीति इति उदाहरण तो धातुंत्राणाम प्रश्न पर, वो भवीति जो उदाहरण दिया वो धातुंत्र को भी निमित्त बनाने के लिए दिखाया गया, इति मूल कृत आशय, ये मूलकार का आशय है। ननु भूधातु यंगलुकी भूभू इत्यस्य भूस्वस्तिंगित गुण निषेध प्रसक्तिर नास्ति, भूधातु हो यंगलुक में भूभू इस अवस्था में इत्यस्य भूस्वस्तिंगित गुण निषेध प्राप्ति नहीं है वास्तव में, को प्राप्त का फिर पुनर्कथन कर निपातन करके नियम मारता आप घर है वो ठीक नहीं, अप्राप्त का नियम हो रहा है समझना, जो प्राप्त ही नहीं होगा, क्यों भू सोचते हैं किसको कहता है? भू को कहता है, वहाँ वर्तमान आपके उस क्या है? वो भूधातु है, भूधातु तो है नहीं, इसे शुद्ध प्रवृत्त नहीं होना चाहिए, ये पूर्व पक्षी का आशय है। द्वितीय सती यंग लुगंत से प्रकृति अंतरत्व, द्वित करने के बाद जो यंग लुगंत धातु है वो प्रकृति अंतर हो गया, भूरूप भावात वो भूरूप ही नहीं रह गया। ततश्च यंग लुगंत से अप्राप्त गुणाभावे, इसे यंग लुगंत में अप्राप्त गुणाभाव को तत्प्राप्त्यर्थमेव भूभूतु इति, वहाँ भी गुणाभाव को प्राप्त कराने के लिए निपातन किया गया, निपातनम इति न युक्तम। तथा छंदसी एव यंग लुगंत से गुण निषेध न तो भाषायामिति नियम कथम सिद्ध्यत इत्याशंक निराकरोति, फिर से छंद में ही यंग लुगंत गुण निषेध हो जाएगा, भाषा में नियम जो है कैसे घटेगा, किस प्रकार सिद्ध हो पाएगा, यह आशंका करके पूर्व पक्ष निराकरण करते हैं। नच यंगलुकी थी प्रकृति थी, प्रकृति ग्रहण है यंग लुगंत से आप ही ग्रहणम, ये परिभाषा बन गया, जैसे भू स्वस्तिंगी सूत्र में प्रकृति केवल भू ग्रहण किया गया, तो उसके द्वित्वादि होने के बाद जो वो भू है वो भी यंग लुगंत में ग्रहण हो जाएगा, अतएव कोई दिक्कत नहीं। ये ज्ञापन कैसे हुआ, लेकिन ये परिभाषा कैसे टपक गया, पूछेगा पूर्व पक्षी, प्रकृति ग्रहण यंग लुगंत से ग्रहण इत्यादि किम प्रमाणम, क्या प्रमाण है इस परिभाषा में, इत्याशंक्य न्याय सिद्धम इदम इत्या, ये न्याय सिद्ध है, कौन से न्याय, एक काचो द्वे प्रथमस्य, अर्थ किया एक काच का द्वे हो, द्वे हो का मतलब किया दो, दो दो क्या हो, दो बार उच्चारण करना है या उसका दो आदेश कर देना है, क्या करना है, तब वहां पर कहा द्विप्रयोग का मतलब द्विर्वचनं साष्ठम, साष्ठ में जो द्विर्वचन है वह धातु का द्विप्रयोग ही है,
उसी धातु का द्व्युप प्रयोग होने मात्र से वो अर्थांतर नहीं हो जाएगा, धातुअंतर नहीं हो जाएगा, वो प्रकृति थी। इसलिए पूछा तो जवाब द्व्युप प्रयोग षष्ठाध्याय आदौ, षष्ठाध्याय के आदि में एकाचो द्विप्रतित्यत्र किमिदं द्विर्वचनम्, पूछा गया वह क्या है ये द्विर्वचन। एकाच प्रथमस्य एकस्य स्थाने द्वितयात्मक आदेश स्थान्यपेक्षा अन्यो विद्यते उत स्थाने न एकस्य सत्व दुरुच्चारण विद्यते, ये विकल्प है। भाई आप क्या करना चाह रहे हैं, एक जो स्थानीय है उस एकस्य स्थाने एक जो के स्थान में द्वितयात्मक आदेश उसको ही द्विरूपता प्रदान करके आदेश करने कह रहे हो। स्थान्यपेक्षा अन्यो विद्यते, स्थान की अपेक्षा से दूसरा ही आदेश कर दिया गया, फिर तो भू के जगह बुभू आदेश कर दिया आपने, तो भू के स्थान पर में भू से भिन्न बुभू आदेश हो गया। यदि ऐसे मान लोगे फिर तो भू सूर्य नहीं लगेगा, वह अन्य हो गया ना, उसे भिन्न हो गया, प्रकृति ग्रहण है, इन लोगों तो कैसे ग्रहण करोगे, और प्रकृति से भिन्न चीज हो गई आदेशात्मक। अथवा ये कह रहे हैं आप कि विकल्प से दूसरा क्या पक्ष आया, उत स्थानी न एक तो दुरुच्चारण, स्थानी जो एक है उसको दुरुच्चारण कर दो, केवल आदेश नहीं है, आदेश पक्ष खत्म। आदेश पक्ष में वस्तु भिन्न हो जाता है, विकार मानते हैं ना व्याकरण लोग, स्वीकार कहते हैं संधि आदि जितने भी स्वीकार ही कहा गया है, अविकार हो गया तो फिर भिन्न हो गया, फिर ये परिभाषा नहीं बनेगा न वहाँ लागू होगा सूत्र। इसे दुरुच्चारण पक्ष को ही वृक्ष प्रचलन न्याय से वह स्वीकार किया भाष्यकार ने, एकाग्र न तो तस्थानी न अतिरिच्यते, वह स्थानी से भिन्न नहीं होगा, तब जो दुरुच्चारण किया वह स्थानी से अतिरिक्त नहीं रहेगा, इति संशय, विकल्प को उठा करके संशय करके द्विप प्रयोगो द्विरचनम इति सिद्धांतितम, में भाष्यकार ने सिद्धांत दिया है। तद अधिकारस्तत्वात्, उसी के अधिकार में कौन है ये संन्यंग द्वित करने वाला, इति द्विर्वचन अपनी तथा इदमेव, ये द्विर्वचन भी द्विर उच्चारणात्मक ही है। ततश्च भूत से बहुति द्विप्रयुज्यमानतया, इसे भू इसी का ही बहु करके दुरुच्चारण पर प्रयोग होने के कारण से भूस्वो भूग्रहण है ना, ग्रहणात भूस्वस्तुत्र में विद्यमान भूग्रहण के द्वारा वो भू भी ग्रहण हो जाएगा, यंग लुकी निषेध सिद्ध है, यंग लुक में भी गुण का निषेध सिद्ध था। इसे बहुभूत निपात्र छंदसी एवं यंग लुकी गुण निषेध, इसे हमारा जो नियम का स्वरूप था वैसे वैसे रह गया, कि वो भूत ये जो है निपातन है छंदसी में ही यंगलुक का गुण निषेध होगा, न तो भाषा मिति नियम लाभात लोके भी यंगलुक सिद्ध इति भावा, लोक में भी यंगलुक सिद्ध है और वहाँ गुण की प्रवृत्ति भी गुण निषेध नहीं होगा, ये दोनों ही बात इस निपातन से ग्रहण हो गया। वो भूताई थी अपित्वाद ईटना द्विवचन में तिप तस, तस में बोल रहे वो भूतः, ये कैसे बन गया, कहते यहाँ पर जो है अपित्वन के नाते ईट आगम नहीं हुआ, गित्वात न गुणा और गित्वात गुण भी नहीं हुआ, वो भोति वो भवीति वो भूतः वो भुवति, कैसे होगा वो भुवति, कहते अदभ्यस्ताति अत होगा, जी को अंतश प्राप्त था लेकिन उभे अभ्यस्तम, इसे दुरुच्चारण किया हमने, आदेश नहीं किया है, दुरुच्चारण करने से उभे अभ्यस्तम से अभ्य संज्ञा हो गया, अभ्य संज्ञा होने से अद्यभ्यस्ता से अतादेश हो गया, जी को अंत बात करके गित्वाद गुणाभाव, यहाँ भी गित्वाद गुणाभाव रहेगा तो उवंग हो जाएगी, इति भाव हो वो भविषी वो भोषी वो भूथा वो भूथा वो भवीमी वो भूमि वो भूव वो भूम लट लगा के समस्त रूप यंग लुगंत का भूधातु का बन गया। वो भवांचकार थी कहाँ से निकाचित आम हो गया, वो भविता वो भविष्यति वो भवितु वो भोतु वो भूतात वो भूताम वो भुवतु, हे रपित्वात ईटना गित्तात न गुणा से वो भूही वो भूतात वो भूतम वो भूत, आठ पित्वेन अंगित्वात गुण हो जाएगा वो भवानी वो भवाव वो भवाम बनता है। लंगिया अबो भवीद इत्यादि अबो भवुरिति सिजभ्यस्ती जुसी गुणे अवादेश स्यात्, तो इसलिए अबो बहु सिजभ्यस्त विद्यभ्यस्त से जुस हो गया, अभ्यस्त संज्ञा है ना इसे जुस हो जाएगा, अबो बहु जुसी चस गुण हो जाएगा, अबो भवी ही सीधे चला गया सिप में, अबो भो हो ईट भाव पक्षे अबो भूतम अबो भूता अबो भवम अबो भूवा अबो भूमा, अबो भव में पित्त है किंतु अम आ गए ना,
मिप को हम हो गया, हम होने से हलादि नहीं रह गया, हलादि पित्त नहीं रह गया, जाति पित्त हो गया, अतिवीट आगम नहीं हुआ। भूभुयात विधिलिंगी आशलिंगी च रूपम समानम, भूभुयाताम इति विधिलिंगस्तामी रूपम, भूभुयु भूभुया भूभुयात भूभुयात भूभुयाम भूभुया व भूभुयाम। आशलिंग में भूभुयात बराबर है लेकिन ताम आदि में फर्क सुट रहेगा, भूभुयास्ताम इति आशलिंगी तामी रूपम, भूभुयास्त भूभुयासम भूभुयास्व भूभुयास्म, ये बन गया आपका आशलिंग। लुंगस तिपि सिचि कृते आ गातिस्ता गुपापू पैसे चप्पर शब्द सीति, हो गया लुक, सिच को लुक कर दिया। ईट पक्ष इति ईट पक्ष में रूप बना रहे हैं। इतश्च इति इकार लोपे कृते ईडागमे सार्धातुकार गुणम परमपि बाधित्वा नित्यत्वात् भो वुग लुंग लटो इति वुक इत्यर्थ। गुणे कृते अकृते च प्राप्त है उको नित्यत्वम बोध्यम, इन वुक खाने के बाद गुण नहीं हो पाएगा। दीर्घ है ना भू, लघुपद होता तो कह सकते थे आप भाई वुक कर दो तो भी हो जाएगा गुण, लेकिन वुक करने के बाद गुण प्राप्त ही नहीं हो पाएगा। अतएव गुण करो ना करो दोनों दिशा में वुक होने वाला, उनसे वुक नित्य हो गया। अब भूवीत बन गया इसलिए रूप उकी कृते सती तेन व्यवधान आद उकार से न गुणा न लुंगोजेर झुसी उकी अब भूवुह इति रूपम वक्षते लेन वायुक्तम कत पूर्व पक्षी तदयुक्तम। क्यों आत सूत्र बैठा हुआ है, आदि सूत्र है सिचलु की आदंता देव जेर जूस इति नियमात, सिचलुक होने पर आदंत से ही परे जी को जूस होता है, और ये आदंत है नहीं उदंत है तो यहाँ तो जी को जूस नहीं होना चाहिए, ये शंका है। इतता अभ्यस्ताश्रय जुसिति, तो अभ्यस्त संज्ञा को लेकर हम जूस कर रहे हैं। सिजभ्यस्त अनेन अभ्यस्तात् परत्वात् जुसित्यर्थ, सिजभ्यस्त सूत्र है सिच परत्वम आश्रित्य यो जुस प्राप्त तस्यैव अयम नियम, इसलिए वो नियम कहाँ लग रहा आता हमें, सिच को आश्रय करके जो जी को जुस, उसी सूत्र से सिच अभ्यस्त है ना, सिच अभ्यस्तात् विद्यभ्यस्त सिच अभ्यस्त और विद, इन तीन धातुओं को ले रहा है वो। वहाँ पर सिच से परे जी को जुस जब होता है उसमें नियम लागू होता है, ऐसे जो लुप्त होने पर जी को जुस करना है तो आदंत से ही करो, यानी अभ्यस्त निमित्तक जो था वहाँ नियम नहीं लगेगा, विद धातु में भी नियम नहीं लगेगा। सिच अभ्यस्त विद अभ्यस्त सूत्र में तीन लिया, सिच अभ्यस्त विद धातु, उन्हें सिच को लेकर के जो जी को जुस होना है वही आत सूत्र नियम करता है, अभ्यस्त विद को लेकर जो जी को जुस होता है वह नहीं करता है। न तो अभ्यस्ता आश्रय जुस इति भाव, अबोभू उस इति स्थिति जुसिचे इति गुणम आशंक्या नित्यत्व से, यहाँ पर भी गुण को बाध करके पहले उख होगा, जुसिचे इति गुणापेक्षेत्यर्थ अबोभू वु इति रूपम। नक्षत्र अभ्यस्त आश्रय जुसम बाधित्वा परत्वाद अधभ्यस्त इति अधादेश स्यात्, वो भी अभ्यस्त आश्रय जुस को बाध करके अधभ्यस्त फिर अति कर दो अभ्यसंग, जैसे पहले किया आपने लेट लगा रहे हैं यहाँ भी कर लो आप। अभ्यस्ताश्रय जुस अदादेश अपवादत्वाद इति भाव, ये शंका मत करो क्योंकि अभ्यस्ताश्रय जो जुस है अभ्यस्ता से प्रत अदादेश का ही अपवाद है। अबो भूवि सिच का है, अबो भो अबो भूतम अबो भूता सिप, और अबो भूवम अबो भूव अबो भूम उत्तम पुरुष इत्यादि। नहीं अबो भविष्य तो कल करा दिया था ना, ठीक करा दिया था, नहीं तो अबा भविष्य दिख रहा है ना, अबा दिखा रहा है, अबो होना चाहिए अभी है वो। अच्छा हमारे यहाँ तो अबा था, हमने अबो कर दिया, अबा नहीं अबो अभी भी नहीं, अबो होना चाहिए, अबो भविष्यत इत्यादि नीचे ठीक दिया है, अबो भविष्यताम अबो भविष्यन अबो भविष्य अबो भविष्य अबो भविष्य अबो भविष्यम अबो भविष्याम अबो भविष्याम फिर बनेगा, अबो भविष्यताम अबो भविष्यन इत्यादि व्यक्तम अनस्पष्टम। इस प्रकार से भूधातु के अंगलुंगंत का समस्त रूप पूरा हो गया। स्पर्ध संघर्ष है, स्पर्ध धातु संघर्ष अर्थ वाला ले रहे हैं अभी, स्पर्ध धातु से यंग आया पुनः पुनः अतिशयन व स्पर्धते, वही अर्थ तो वही रहेगा, इन यंग के बिना भी रूप बनता है, एक अक्षर कम हो जाए ना यंग कैंड से और रहता तो अक्षर बढ़ जाता है, छंद में जैसे जरूरत पड़ता है, तो इसलिए जान के अंगलुगंत का भी रूप है। तो स्पर्ध यंगलुक होने के बाद स्पर्ध स्पर्ध पस्पर्ध सर्पुरवा खाए लगेगा ना, यहाँ पर पस्पर्ध हो गया, दीर्घ किता प
पाशपर्द धातु है। पाशपर्द धातु से लट तिप शप लुक तिप रह गया, पाशपर्द ती, पाशपर्द ती है, और उसको ईट आगम कर दो, जंगोवा सूत्र से ईट आगम हो जाएगा। हलादि पित सार धातु के ईट आगम हो गए विकल्प से, तो पाशपर्द ईति बना, मिला दीजिए पाशपर्धीति और पाशपर्धी बनेगा। दूसरे पक्ष ईट अभाव में क्या होगा, पाशपर्द ती रहेगा, झसस्त तौर धोधा ती को धी हो जाएगा, पाशपर्द धी झलाम जस झसी ध को द हो जाएगा, पाशपर्धी इर बन जाएगा। तस्में भी उसी प्रकार बने पाशपर्धा पा स्पर्धा पाशपर्धति अदभ्यस्तात् अथ हो गया पाशपर्धति पाशपर्धीशी पाशपर्धीशी ईट अभाव में पाशपर्त्सी पाशपर्त्सी पाशपर्धा पाशपर्ध पाशपर्धीमी पाशपर्धमी पाशपर्ध पाशपर्धम पाशपर्धान चकार बनेगा। इन्होंने पाशपर्त्सी दिखाया है, वो जल भी हर दी सीधा लोट लकार में चले गए, पाशपर्धिता पाशपर्धिशति वहाँ कोई संशय है नहीं, इसे क्योंकि सब आर्धातु गए सार्धातु की ईटा का विकल्प प्रश्न है नहीं। पाशपर्धिता अनेकास्तवात नित्य ठोगाओ सेठ हो जाएंगे अपने आप पाशपर्धिष्यति, और यहाँ पर पाशपर्धीतु पाशपर्धु पाशपर्धाम पाशपर्धतु वहाँ तक बन गया प्रथम पुरुष, और ही आया जब तब उसका हु जल भी हो हेर दी होगा, पाशपर्ध धातु है झलंत होने से हु झल भी हेर दी से ही को धी हो गया, धी होने पर पाशपर्द धी रहेगा पाशपर्द धी, उसे राधाधा है राधाधम एक पक्ष में एक धलोप हो जाएगा, झरो झरी सवर्ण हल से पर में झरध है धा से पर में धा आ गया, तो एक पक्ष में पाशपर्धी रूप बन जाएगा और एक पक्ष में पाशपर्द धी जलाम जैसे लगेगा ध को द हो जाएगा धातु के धकार को पाशपर्धात पाशपर्धम पाशपर्ध, और वहाँ सब जगह गुण हो जाएगा आठ आगम है ना, पाशपर्धानी पाशपर्धाव पाशपर्धाम ये बनता है। लंग लकार में अपाशपर्थ अपाशपर्द ईट अभाव पक्ष में अपाशपर्थ अपाशपर्द बनेगा, ईट पक्ष में अपाशपर्धित बनेगा अपाशपर्धित बनेगा, ईट अभाव में ही दो हो गया अपाशपर्त और अपाशपर्द वावसर्ग के कारण से, सिप में वहाँ वही रहेगा अपाशपर्धाम अपाशपर्धुः जी को जुस हो जाएगा अपाशपर्धुः, सिप में धश्च लगेगा इति रुद्र पक्षे रोरी अपाशपाहा बनेगा ड्रपे पूर्व से दीर्वाण, तो अपाशपाह ईट अभाव पक्ष में भी ये बता रहे हैं अपाशपाह, और रुद्र भाव में वहाँ पर भी अपाशपाह अपाशपर्शी बनेगा ना, क्योंकि शिव का स रहेगा ईट आगम होगा ईट अभाव पक्ष में तो बना दिया आपने, ईट पक्ष में क्या होगा अपाशपर्धीस रहेगा अपाशपर्धीस सिच के ईगलो पर है पाएगा शिव का ई तस्व से चला जाएगा सहल बचेगा और सबको विसर्ग हो जाएगा ईट पक्ष में, अपाशपर्धी अपाशपाह ईट अभाव में अपाशपर्धम अपाशपर्ध और अपाशपर्धम अपाशपर्ध अपाशपर्धम भाग्य लकार नहीं दे रहे, पाशपर्ध्यात पाशपर्ध्याताम पाशपर्ध्यू पाशपर्ध्या पाशपर्ध्यातम पाशपर्ध्यात पाशपर्ध्याम पाशपर्ध्या व पाशपर्ध्या पाशपर्ध्यात पाशपर्ध्यास्ताम पाशपर्ध्यासुः आशलिंग पाशपर्ध्या पाशपर्ध्यास्तम पाशपर्ध्यास्त पाशपर्ध्यासम पाशपर्ध्यास्व पाशपर्ध्यास्म, और यहाँ पर ईट पक्ष में अपाशपर्धीत इट ईट लग जाए ना शिशलोप हो जाएगा तब भी सेठ धातु है शिशलुक नहीं होगा किंतु इट ईटी से शिशलोप हो जाएगा सिचुट होगा, तो वहाँ पर ईट हो गया है तक वो अशिशु प्रकृति से ईट हो जाएगा और ईट ईटी से शिशलोप हो गया
स्वर्णधीर्घ हो जाएगा, अपास्पर्धित, अपास्पर्धिष्ठाम, अपास्पर्धिषु, अपास्पर्धी, अपास्पर्धिष्टम, अपास्पर्धिष्ट, अपास्पर्धिषम, अपास्पर्धिष्व, अपास्पर्धिष्व, अपास्पर्धिष्यत, अपास्पर्धिष्यताम, अपास्पर्धिष्यन, अपास्पर्धिष्यः, अपास्पर्धिष्य, अपास्पर्धिष्याम, ये रूप बन जाएगा। यहाँ तक टीका देखिए, पास्पर्धीति स्पर्ध संघर्षे, अर्थ भी दिखा दिया इन्होंने धातु का। दीर्घो अग्गिता इति अभ्यास दीर्घ, यंगो वाइति ईट विकल्प, एड अभाव पक्षे जसत्वर्धयति धत्तम, जरुज सवर्णति वा ध लोप, जरुज विकल्प से ध लोप हो गया एक बार, इसलिए एक धकार वाला ही रूप रहेगा, जिससे एक द ध बन जाए, इतने जलाम जिससे धातु के धकार को द हो जाएगा, ये अंतर होता है। लिटि पास्पर्धान चकार, पास्पर्धिता, लिटि पास्पर्धिष्यति, लोटि पास्पर्धीतु, पास्पर्धु, यहाँ पर एक धकार लोप कर दिया और दो धकार वाला भी रहेगा, एक ध वाला भी रहेगा। पास्पर्धात, पास्पर्धाम, पास्पर्धतु, पास्पर्धीति, हेरधित्ते वाधि लोप, लंगी इडागा, इडागम पक्षे अपास्पर्धीत, यहाँ पर इडागम पक्षे, इडागम नहीं होना चाहिए लंग में, ईडागम है, दीर्घी बनाओ उसको, रस भी दिख रहा है उसको दीर्घी बनाना पड़ेगा। वृत्त पक्षे थी पक्षांतर तो अपास्पर्त बनेगा, अपास्पर्द जैसे तिप में बनाता वैसे सिप में बन जाएगा। लिंगी पास्पर्द्यात, पास्पर्द्याताम, पास्पर्द्यास्ताम इत्यादि बनेंगे। पास्पर्द्यास्तम आशलिंग के लिए दिखाया। लुंग में अशिष्य प्रकृति थी नित्यम ईट, इट ईडी स्लोप, अपास्पर्धीत, अपास्पर्धिष्ठाम, अस्पर्धिषु इत्यादि। लिंग में अपास्पर्धिष्यत बन जाते हैं। बालरमा पास्पर्धीति थी स्पर्ध धातो यंगलुकी द्वित्वे शर्पूर्वा खय इति पकार लोप शेष, देखो पकार शेष रह गया, सलोप हो जाएगा। दीर्घ अकित दीर्घ है पास्पर्ध धातु बना, सराधि धातु संज्ञा हो गया इसका, तो इतस्मात लटस्तिपि शपि शपोलुकी यंगो वायति ईड आगमे रूपम, ईड अभावे त्वाह पास्पर्धीत, पास्पर्ध तीति स्थिते जसतोध इति तकार से धकार, जलाम जसी पूर्व धकार से ध इति भाव, अरे वे ध लोप हो जाएगा एक बार, वो ध को द हो जाएगा। विवस्मसु वास्प सरल है, पास्पर्धीमी, पास्पर्ध्वी, पास्पर्ध्वः, पास्पर्ध्मः, पास्पर्धान चकार, पास्पर्धिता, पास्पर्धिषति, पास्पर्धीतु, पास्पर्धु, देखो दो धकार दिखा दिया, एक एक धकार का भी समझ है। पास्पर्धात, पास्पर्धतु, हेर अपित्वात् ईट अभावम सिद्धोद्गृत्या, इसलिए ही को सीधा उचल बिहर्दी से धी करने को कह दिया। पास्पर्धीति हेरधी भावे जरो जरीति वा ध लोप, विकल्प से हो भी एक बार दो धकार, एक बार एक धकार श्रवण होगा, इसीलिए पास्पर्धात, पास्पर्धम, पास्पर्धानि, पास्पर्धाओ, पास्पर्धाम। लंगीति उदाहरण सूचनम, ईटी ईट होने पर अपास्पर्धीति सिद्धोत्कृत्य ईट अभाव में कह दिया अपास्पर्त, अपास्पर्द, ये रूप बनेंगे। कैसे बन गया अपास्पर्द, तय चित हल्ग्यादि न तकार लोपे वावसानैति चर्त विकल्पति भाव, अपास्पर्धाम, अपास्पर्दुः, सिपितु अपास्पर्द स इति स्थिते जस्त्वे, जस्चेति दकार से ऋतु पक्षे अपास्पर र स रह जाएगा, अपास्पर र स रह गया इति स्थिते, हल्ग्यादि न सकार लोप कर दो पहले, फिर रोरीति रेफ लोपे, ये दोनों कैसे सुनाई दे रहा है? हाँ, एक तो धातु में पहले था ना स्पर्ध, धातु में र पहले से ही है, और तो ध को भी आपने रू कर दिया, अच्छा ध जो र हो गया तो वो दो दूसरा र सुनाई दे रहा है, अब दो र है तो रोरी रेफ परे पूर्व रेफ, धातु का अपना रेफ था वो लोप हो गया, जो ध को र वो बचा हुआ है उसके रहते हुए आप लग जाएगा लोपे पूर्व से त्रिगुणा, ढलोपे इति दीर्घे विसर्गे अपास्पा इति रूपम, न च दीर्घे दश्चित वृत्तम असिद्धम च न शक्यम,
कोई कह सकता है दीर्घ कार्य कर्तव्य दृष्ट से जो रूह हुआ था वो असिद्ध है? हो नहीं सकता। तिनाशंक्य ड्रलोपेति सूत्र है ड्र ग्रहण है ना, लण सूत्र है जर ग्रदे अजरगा भाष्य प्रयोगण च पुरुत्र सिद्ध मित्य से अप्रवृत्ति बोधनात्। ड्रलोपेति सूत्र में ड्र ग्रहण सामर्थ्यात, ड्र ग्रहण सामर्थ्यात ही ढलोप ढलोप को ही ले रहा है ना वो ड्रलोपे कह करके, यदि वह असिद्ध है फिर ड्रलोपे में ग्रहण करने सूत्र व्यर्थ हो जाएगा। और लण सूत्र के भाष्य में स्वयं भाष्यकार ने दृष्टांत क्या दिया, अजरगा जैसा पस्पा है यहाँ पर वह अजरगा बनता है, जर्ग हृदय है अजरगा ये सब भाष्य ने प्रयोग किया है और दीर्घ किया है वहाँ पर घा बना देना गृधि में धे है। तो पूर्वत्र सिद्धमित अप्रवृत्ति बोधना अप्रवृत्ति है ये बात बता दिया गया। अपास्पर्धम अपास्पर्ध्व अपास्पर्धम उत्तम पुरुष का रूप, लिंगी पास्पर्ध्यात पास्पर्ध्याताम पास्पर्ध्यास्ताम इत्यादि आश्रलिंग का है। लिंग में अपास्पर्ध स त इच्छते या त नहीं है तिप के तकार दिखाना चाहिए, अपास्पर्ध सिच के सकार और तिप का तकार, तब अशिष्य प्रत्येति नित्यम ईट और तिप के तकार को नित्य ईट हो गया और सिच के सकार को ईट होगा और उसके बाद लगेगा इट ईट इति सलोपः अपास्पर्धित अपास्पर्धिष्ठाम अपास्पर्धिशोह इत्यादि बनेंगे। अपास्पर्धिशत लिंग लकार का एक रूप दिखा दिया। अब अगला धातु लेते हैं गाधरी, गाधरी धातु प्रतिष्ठा लिप्सयोर ग्रंथे च वो ले रहे हैं, प्रतिष्ठा लिप्सयोर ग्रंथे च वो लिया गया है। गाध गाध गगाध बनेगा, यंगलु कौन ऐसे दीर्घ दीर्घ हो जाएगा, जगाद में जागाद बनेगा, धातु क्या बन जाएगा जागाद। लट तेप शप लुक ईट और रूप बन जाएगा जागाधी, इट अभाव पक्षी इट अभाव में जागाधी हो चल पर हेरती हो जाएगा तिप गत्ती को धो को धो गया जागाधी, इट पक्षी जागाधीति जागाधीति ये रूप बनते हैं। नीचे दिखा चले कह रहे जाघाधी जाघातसी दोनों ईट अभाव पक्ष में दिखा रहे हैं, सिप का दिखाया जाघातसी ईट अभाव में, यहाँ पर एक विषय जो जाघातसी जो दिखाया सिप में साध्य प्रत्यय मिल गया ना ईट अभाव में वो लगेगा एकाचो बस बस जिसंत धातु के ककार को घकार हो जाएगा, जाघातसी नहीं है जाघातसी बनेगा। जागाधति बहुवचन अदभ्यस्तात हो गया जागाधति, जागाधीमी जागाद्मी जागाध्व जागाध्म, जागादांचकार बनेगा। और धातु के जो धकार है उसको खरीच से तो हो जाएगा जाघातसी रूप दिखाए, इसीलिए जागाधिता जागाधिता जागाधिष्यति जागाधीतु जागात्तु जागाधाम जागाधतु जागाधी तातंग में जागाधात जागाधम जागाद जागाधानि जागाधाव जागाधाम। लंगलकार में अजाघात अजाघात ईट अभाव पक्षे यदि अजाघादीत अजा गाधीत बनेगा, जागाध धातु है ईटा गम हो गया तिपत्ता बचेगा अजागाधीत बनेगा ईट पक्षे, ईट भाव में ये दिखाया अजाघात बनेगा कि धौ रह गया पर हलंत तिप तकार भी लोप हो जाएगा हल्के अभ्य दीर्घात से, अब ध को द करो झलाम से सुनते भाव सा चर्च कर दो तो अजाघात अजागाध बनेगा, दो अजा गाधाम अजागाधु बनेगा जुस अजागाधु और अजागाधी ही अजाघात अजागात यहाँ भी दशा लग जाएगा और अजागाधम अजागाध अजागाधम अजागाध्व अजागाध्व। स्वयं लिख रहे हैं सिपी ऋतु पक्षे अजागाह इति रूपम अजा
घाहा बन जाएगा ऋतु पक्ष में, ऋतु भाव में यथावत रहेगा। विधिलिंग में पहले जागाध्यात जागाध्याताम जागाध्युः और आसन में जागाध्यात जागाध्यास्ताम जागाध्यासुः और लुंग लकार में अजागाधीत अजागाधीत अजागाधिष्यताम अजागाधिष्ठाम अजागाधिशुः इत्यादि अजागाधिष्यत अजागाधिशताम अजागाधिशन इत्यादि बनेगा लिंग लकार में। और सिद्धवत्कृत्य उसको बोला ही नहीं इन्होंने, स्पष्ट वह है, जाकर कुछ विशेष सूत्र लगना नहीं है, छोड़ दिए। नाथ्री धातु उसके बाद आता है, उससे पहले इसकी टीका भी निपटा दीजिए। जागाधीति गाधरी प्रतिष्ठादो ठीक है, प्रतिष्ठा लिप्स्योर ग्रंथे च ईट पक्षे तो जागाधीति रूप बना दिया, मूल में नहीं दिखाया, ऐसे टीकाकार दिखा दिए। जागाधीत यह क्या हुआ, एकाचित भस्माव धस्य चर्तम लोटी, लोट का रूप है जागाधीतु जागाधु जागाध्याम जागाधतु, लंग में अजागाधीत अजाघात अजागाध्याम अजागाधु, लुंग में अजागाधीत अजागाधिष्ठाम इत्यादि। बाणकार कहते हैं गाधरी धातोर लटस्तिपि ईट पक्ष है जागाधीति सिद्ध उत्कृत्य, देखो अपने मन में सिद्ध मान करके ईट अभाव पक्ष आह जागाधीति जागाधीति सिद्ध है जिस तकार से दह जागाध जागाधति इत्यादि बनेंगे। सिपि ईट पक्षे जागाधीशीति सिद्ध उत्कृत्य सिद्धोद्वान करके ईट अभाव पक्ष का रूप दिखा दिया जाघातसीति जाघात दंसीति सिद्ध है एकाच वजती घस्य भस्म घस्य धस चर्तम इति भाव धस्य चर्तम इति भाव, अतएव जाघात हो गया घा घा हो गया ना, ग को घ हो गया और ध को त हो गया जाघातसी बन गया जागाध जागाध जागाधमी जागाधीमी भी होगा एक पक्ष ईट पक्ष है जागाध्वा जागाध्मः जागादांचकार जागाधिता जागाधिष्यति जागाधीतु जागाधो जागाधात जागाधाम जागाधतु ही में जागाधि पर हुजल भी हो हृदि जागाधात या ईट अभाव पक्ष दिखा दिया है, वैसे ईट होता ही नहीं वहाँ पर, गित है ना तात्विक गित है, इसे जागाधात जागाधम जागाध जागाधानी जागाधाव जागाधाम, लंग में अजागाधित अजाघात ईट अभाव पक्ष है अजागात अजागाद भी है, एक दकारांत भी बनना चाहिए, वावसान है ना विकल्प से, अजागाधाम अजागाधु सिपीट पक्ष है अजागाधीरिति सिद्धोत्कृत्य ईट अभाव का दिखा दिया है सिपीति। मूल कारण है वृत्त पक्ष है अजागाद सहित सिद्ध है भस्म भावे जस्पे दश्चेति दस्य वृत्त पक्ष है हल्क्यादि लोपे रेफ से विसर्गे अजाघा इति रूपम, यहाँ एकाचव शब्द लग करके अजाघा बने साधि प्रत्याने पर पक्षे अजाघात इति बोध्यम, जब दस्य से रुनई हुआ उस पक्ष में ईट अभाव भी है और तो भाव है उस पक्ष में अजागाधाम इत्यादि। जागाध्यात विधिलिंगे और आश्रलिंग दोनों एक रूप दिखा दिया, लुंगी असचेति नित्यम ईट अजागाध अजागाधीत अजागाधिष्ठाम इत्यादि। अतः संक्षेप में इसको पूरा कर दिया इन्होंने भी, और नाथरी धातु आएगी उसके बाद